तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और फ्रेंड आज हम यहाँ चल रहे हैं, सतीश भैया आ रहे हैं यहाँ पे गोरखपुर में भी पार्क में, तो उनसे मिलेंगे और आपको मिलकर दिखाएंगे कि उनका मीटअप है यहाँ पे, किस तरह से मीटअप है, कैसे कैसे क्या, उनसे कुछ जानेंगे भी। तो चल रहे हैं हम और साथ में सूरज भैया, और ये रही अपनी स्कूटी, तो आइए चलते हैं। तो साथ में बने रहिए, चलिए आगे मिलाते हैं आपको सतीश। तो फ्रेंड वहाँ पे देख सकते हैं काफी भीड़ लगी हुई है। आइए चलिए सतीश भैया से मिलवाते हैं आपको और कुछ पूछते हैं उनसे आपके बारे में और अपने चैनल के बारे में, देखिए क्या सजेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हम मिल चुके हैं दिलीप भाई से, जो बहुत दिन से ख्वाहिश थी इनसे मिलने के लिए। तो आइए इनसे थोड़ा इंट्रो लेते हैं, इनका किस टाइप का चैनल है, थोड़ा इनसे बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड, तो मेरा जो चैनल है वो देसी लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग है, जो कि गांव में ही मैं रहता हूँ और गाँव से ही वीडियो बनाता हूँ, जो भी है अपना विलेज एरिया ही दिखाता हूँ, और बहुत ही अच्छा लगता है और ऊपर से खर्चा भी नहीं होता है वीडियो बनाने में, तो यही है। इसी तरह बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर चेक करिएगा। और इसी तरह से यहाँ पे सतीश भैया आए हैं, देख लीजिए वहाँ पे भीड़ लगी है, अभी वहाँ पे मिलवाते हैं चलकर, और दिलीप भाई साथ में मस्ती करते फिर आगे मिलते हैं फुल मस्ती। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे सतीश भैया से मिल चुके हैं, बहुत अच्छा लगा, और भैया से कुछ सुनना चाहते हैं अपने बारे में। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा भाई आए तो, थैंक यू सो मच यार भाई इतनी दूर से आए। एंड मेरे सब्सक्राइबर के लिए कुछ कह दीजिए आप लोग, प्लीज भाई को सपोर्ट करिए, बहुत मेहनत करते हैं भाई, और लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू भैया, बैठिए 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 लेने को। तो एक चीज पूछ रहे थे आप, हर सीन कैसा था ना, इंटरव्यू लेने का मेरा कैसा चालू हुआ, मैं भी जब बिगिनर था तो मेरे भी 3-4 सब्सक्राइबर्स है, तो मैं भी जानना चाहता था लोगों के लाखों सब्सक्राइबर्स कैसे होते, उन लोगों से मिलता था फिर उनसे पूछता था, तो लोग बोलते थे सिंपली यार वीडियो डालते हैं हम लोग, वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं, कुछ ऐसा अलग से टेक्निक कुछ नहीं लगा, तो सही है। फिर मैं भी धीरे धीरे वीडियो बनाने लगा, फिर इन लोगों से मिलने लगा, तो मैं सोचा कि चलो इनके साथ अगर मैं मिलके मैं बातें कर रहा हूँ तो इनके साथ मिलकर भी कर रहा हूँ, कि मैं जैसे मोटिवेट हो रहा हूँ इन लोगों से, तो और भी लोग हैं मेरे जैसे लोग, तो तब से चालू हो गया। सर मतलब सत्यनाथ सिंह भी कैसा लग ही नहीं रहा था कि शक्तिमान के बाद सर हमें नहीं लग रहा है कि हम आपके साथ में अभी है, रियलिटी है हम लोग भी नहीं लग रहा, अभी हम लोग कुछ समय जो हम लोग का यहाँ पे बीत रहा है और भी कट रहा है, डर भी लग रहा है कि कट आउट ना हो जाए, एटीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। जैसे सर टाइम नहीं देना, जैसे नाम नहीं बताएंगे सर, आपको कैसा लगा इंटरव्यू लेने जाते हैं सर, वही है नेटवर्किंग करनी चाहिए धीरे धीरे, जरूरी नहीं कि हम पहले ही शाहरुख खान का इंटरव्यू कर लें, करने को तो कर सकते हैं लेकिन उतना बजट नहीं, हाँ वही बात है, तो बजट बढ़ाना पड़ता है, बजट बढ़ता है अभी, तो बहुत सारे लोग पैसे ऑफर करते हैं भाई मेरा इंटरव्यू कर, नहीं सीरियस बात है, उनको आराम से एक्सपोजर तो मिलेगा, 1 लाख व्यूज तो इजीली आ जाएगी आराम से, स्टोरी में अगर कम हुआ आराम से, उनको अगर 1 लाख, अगर उनका कोई बिजनेस है कोई प्रोडक्ट है तो 1 लाख लोगों तक उनका प्रोडक्ट पहुँच जाएगा, अगर आप खुद अगर अपना कोई प्रोडक्ट है इसकी मार्केटिंग कर और 1 लाख लोगों तक पहुँचाना हो को भी यही मतलब है ना कि हमारा मेरे बारे में 1 लाख लोग जानेंगे, उसका कितना चार्ज लेते हो तो लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो मैं जो अगर बजट बोलूँगा भाई हाँ इतने बजट होगा, लेकिन अभी मैंने किसी को कुछ रिप्लाई नहीं किया, लोगों को पैसे उसे नहीं बोला रिप्लाई, लोगों को लगता है कि होगा कि अभी मैं सोच रहा हूँ मतलब अच्छे अच्छे लोगों का इंटरव्यू दिया जाए, अभी आयुष्मान खुराना की बात करते हैं टाइम ही नहीं था उसके बाद इतना, मतलब रोज 3-4 इंटरव्यू। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हम लोग सतीश भैया से मिलकर आ चुके हैं यहाँ पे रूम पे, और फ्रेंड काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग था, तो इसी तरह के व्लॉग आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे, तो
मिलते रहेंगे, और इसी तरह से आप लोग वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा। तो मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए दोस्तों, टेक केयर।